सबसे ऊंची जो मूर्ति है उनके बारे में बताना चाह रही हूँ। और मेरी बहुत काफ़ी सारी वीडियो हैं, तो उन्हें भी जो जाके आप महादेव क्लासेस TGT PGT आर्ट करके जो है सर्च कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाएं को जो है उनके बारे में बता रही हूँ। तो एक साइड जो है सबसे पहले है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये विश्व की जो है सबसे ऊंची मूर्ति है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और ये जो है भारत देश जो है हमारा उसमें स्थित है। अगली है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। ये अगली कौन सी है? स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो है ये 153 मीटर ऊंची है, और ये चीन देश में स्थित है। अगली जो मूर्ति है वो है ओशिकु दाए बुत्सु की जो मूर्ति है, ये हमारी जो है 120 मीटर ऊंची है, और ये जापान में स्थित है। अगली जो है मूर्ति है हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सेम सेम नाम हो है तो कन्फ्यूज नहीं होना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये 83 मीटर ऊंची है, और ये अमेरिका देश में स्थित है। अगला है मूर्ति है द मदरलैंड। क्या है? द मदरलैंड। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 85 मीटर है, यानी 85 मीटर है, और ये रूस में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मदरलैंड मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 85 मीटर है, और ये किस देश में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। अगली है क्राइस्ट द रिमीडियर। तो ये मूर्ति जो है हमारी जो है 39.6 मीटर की ऊंचाई है, और ये ब्राज़ील देश में स्थित है। अब इसके बाद में कला की दृष्टि से जो है आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो है विस्तृत वर्णन जो है मैं अगली जो क्लास है उसमें करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।